सुरेंद्र श्रीवास्तव किसान नेता हैं, वो अपने विचार रखे। हमारे बीच में कुलदीप सरपंच, दीपक धनखड़, भाई नरेश हसनपर, ये भी पहुंचे, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष जी, सरव खाप की सरदारी, दिल्ली एवं हरियाणा प्रदेश से आए हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों का मेरी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार है। बहुत ही दुख की बात है कि कितना दिनों से पंचायत का दौर चल रहा है एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए, लेकिन बार बार सरकार इस बात से मुकरती है, सीएम साहब उनकी परवाह करते हैं, लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है जब एक महिला खिलाड़ी या पुरुष खिलाड़ी अपने एक गरीब आंचल से उठ के इतनी ऊपर जाता है और आज यह सरकार जो नारा देती थी उसके खिलाफ हमारी बेटियों को जिस तरह से ये खराब करने की कोशिश कर रही है माहौल को, तो इस हरियाणा के माहौल को, इस खाप पंचायत ऐसी हमारी सरो खाप है, इस माहौल को खराब नहीं होने देंगे। अगर ये मंत्री, ये भ्रष्ट मंत्री, मंत्री नहीं भ्रष्ट मंत्री अब की बार बच के निकल गया तो आने वाली हमारी और बेटियों की नस्लों को भी खराब करेगा। तो सरकार के पास तो बार बार सारी पंचायत खाप जा चुकी है, लेकिन हम, मैं अपनी तरफ से मेरा सुझाव है, सभी सरव खाप की सरदारी यहाँ बैठी है, क्यों ना हम इकट्ठा होकर ऐसा काम करेंगे कि सरकार को हमारे पास आना पड़े, कोई कठोर कदम उठाना पड़ेगा, हमको तब जाके इस सरकार को सुनाई देगी। गुली मारी सरकार है, ये बात करने से नहीं मानती, ये तब मानती है जब इसको इसके बराबर का लठ दिखता है। सरव खाप पंचायतों ने राजा हर्षवर्धन के टाइम से जो फैसले किए हैं, इस समाज को बचाया है, आज वही घड़ी है। इस सरव खाप पंचायत ने हमारे समाज का ताना बाना जो बचा रखा है उसको ये बीजेपी सरकार खराब करना चाहती है। तो मेरी तो सभी खाप प्रधानों से, गणमान्य व्यक्तियों से, दिल्ली और हरियाणा प्रदेश के बड़े बड़े बुद्धिजीवी यहाँ आए हैं, अंत में कोई फैसला ऐसा ले जिससे कि सरकार को झुकना पड़े, मंत्री को जेल में जाना पड़े। ज्यादा लंबी बात ना करते हुए, बहुत बुद्धिजीवी आदमी आए हुए हैं तो उन सब की बात सुने, तो मैं तो अपनी बात यही समाप्त करता हूँ, कोई गलती हो तो माफ कर।